प्यारे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ नाज़रीन की फरमाइश पर। दाल छिलके वाली आधा कप, चावल दो कप, धोकर भिगो दें आधा घंटे के लिए। दाल भी मूंग की आधा घंटे के लिए धो के भिगो दें। प्याज दो अदद, लहसुन अदरक पेस्ट एक टेबल स्पून, नमक दो टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा एक टेबल स्पून, तेज़पात एक अदद, छोटी इलायची दो अदद, बड़ी इलायची एक अदद, फूल एक अदद, काली मिर्चें दस अदद, लौंग चार अदद, तेल आधा कप। फ्लेम हमने ऑन कर लिया, देखिए चूल्हे पर रख दी है। अब तेल डाल रहे हैं, तेल ज़रा सा गर्म होगा तो प्याज डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को फ्राई करेंगे। नाज़रीन इस पॉइंट पर अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब लहसुन अदरक डालेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। नमक डालेंगे और ये सारा मसाला डालेंगे। चला कर अब इसमें दाल डालेंगे। दाल डालकर पानी डाल देंगे, पाँच कप पानी डालेंगे। अब पानी डाल देंगे, पाँच कप पानी डाल दिया। अब दाल गल जाएगी, फिर चावल डालेंगे। देखें नाज़रीन इस पॉइंट पर दाल गल चुकी है, हल्की सी कसर है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे, चावल डालेंगे और थोड़ा सा और पानी डालेंगे, तकरीबन दो कप के करीब। पानी हम डाल चुके हैं, अब हम इसे ढाँप देते हैं और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। नाज़रीन चावल गल चुके हैं, अब हम इसे दम पे लगाएंगे। 10 मिनट के लिए हमने दम पे लगाया। नाज़रीन खिचड़ी तैयार है, अब हम डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार खिचड़ी तैयार है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।